हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आई गेट भिलाई में मैं हूँ राकेश चलरेजा इस वाले सेक्शन पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि एप्टीट्यूड सिलेबस पे किन किन चीज़ों को आपको कवर करना चाहिए और 2020 से गेट के एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों में चेंजेस आए हैं हम लोग वो इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं ये वाला वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं इसमें सिर्फ सिलेबस आप बच्चों से डिस्कस नहीं करूँगा एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आप गेट के एप्टीट्यूड में अच्छा कर सकें आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा कि जो एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है ना वो हमारे लिए ना डिसाइडिंग फैक्टर होता है डिसाइडिंग फैक्टर मतलब किसी चीज़ एक चीज़ को तो ये डिसाइड करता होगा ना तो आखिर ये किस चीज़ को डिसाइड कर रहा है ये डिसाइड कर रहा होता है कि आप आई जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? मतलब कहने का ये है कि अगर आपने एप्टीट्यूड फिफ्टीन मार्क्स का आएगा आपके गेट एग्जाम में सौ में से पंद्रह नंबर एप्टीट्यूड का होगा और उस पंद्रह नंबर में आपको कुल दस क्वेश्चन दिए जाएंगे एक एक नंबर के पांच क्वेश्चन दो दो नंबर के पांच क्वेश्चन तो इस हिसाब से पंद्रह मार्क्स का आपको एप्टीट्यूड पूछा जाएगा तो अगर आपने फिफ्टीन मार्क्स में जो कि लोगों का मैक्सिमम टारगेट रहता है फिफ्टीन आउट ऑफ फिफ्टीन गेन करने का तो अगर आपने फिफ्टीन मार्क्स से फिफ्टीन गेन कर लिया तेरह नंबर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ले आए तो वहां से 15 और यहाँ का 13 ओवरऑल 28 मार्क्स अपने 100 में से यू तैयार हो जाते हैं तो आप समझो इस वाली बात को कि 28 नंबर अगर आपके 100 में से ये दो सब्जेक्ट आपको दिलवा दें एक एप्टीट्यूड का और एक मैथ्स का तो टेक्निकल के ना फिर ज़्यादा कुछ करने को रह नहीं जाता है टेक्निकल में अगर बस एक सेंस है मेरा कि टेक्निकल में अगर आप चालीस या पचास नंबर भी ले आओ चालीस नंबर भी ले आते हो तो भी ट्वेंटी एट और फोर्टी सिक्सटी एट मार्क्स बनते हैं तो सौ में से सिक्सटी एट मार्क्स एक अच्छा गेट स्कोर एक अच्छा गेट रैंक जनरेट कर देते हैं लेकिन अगर ये ट्वेंटी एट आपके पास नहीं होते आप टेक्निकल में सिर्फ फोर्टी गेन करके आते तो यू गॉट ओनली टू फोर्टी मार्क्स जिससे थोड़ा बहुत रैंक बल्कि हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पीछे खसक जाएगी तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है ये इस चीज़ को डिसाइड कर रहा होगा कि आप आई जा रहे हैं या नहीं जा रहे तो बने रहेगा मेरे इस वाले वीडियो मेरे साथ एंड तक जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको गेट एग्जाम में एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए आपको बता रही पकड़ में और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं सिंस 2020 से गेट एग्ज़ाम के एप्टीट्यूड के सिलेबस में आई एक्सेप्टेड तो चलो एक बार फटाफट चीज़ों को देख लेते हैं जो सब्जेक्ट जो सबसे पहला जो कवर होगा वो होगा डेटा इंटरप्रिटेशन का एग्जाम में गेट एग्जाम में एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन में हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हमेशा खूब सारे क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से आते ही आते हैं ऐसा कोई साल ना हुआ हो, हो जिसमें किसी ना किसी स्ट्रीम में डी आई के क्वेश्चन ना पूछे गए हो डी आई में होता क्या है दरअसल ग्राफ्स होते हैं इसमें दरअसल आपने हो सकता है कि इसके पहले कई दफ़ा सुना होगा बार ग्राफ्स के बारे में पाई चार्ट्स के बारे में अदर ग्राफ्स के बारे में आपने सुन रखा होगा टेबल्स फॉर्मेट के बारे टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म्स के बारे में नहीं भी सुन रखा है तो भी हमने क्या किया है कि आई गेट की ही यूट्यूब चैनल के प्ले में अगर आप जाएंगे ना तो मैंने एक पूरा सेक्शन बना के रखा है कि जिसमें मैंने गेट एग्जाम के डी आई के क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हुए मैंने उसका टाइटल भी बनाया था कि गेट एग्ज़ाम में डी जो है वो दबंग है तो आप उसमें जाएंगे प्ले में तो आपको डी के सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि डी में गेट एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेरी सलाह यह है कि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी जाओ और वो डी का वो वीडियो देखो हमारे प्ले में आपको मिल जाएगा एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत सर्च मारोगे चैनल वीडियो से में वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे तभी मिल जाएगा मेरी सलाह है कि वो उसे देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एप्टीट्यूड में डीआई के क्वेश्चन गेट एग्जाम में आते आखिर किस लेवल पे तो जब आपको समझ में आएगा ना कि गेट एग्जाम के किस के क्वेश्चन आते हैं तो आपका दिमाग फिर उस हिसाब से फिर तैयारी करना स्टार्ट करेगा ठीक है तो डी आई हमारे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा से पूछा जाता है आपको इसे फोकस करना चाहिए इसे मिस नहीं होने देना चाहिए इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में जिसको अपन लोग क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं इसमें क्या क्या और टॉपिक्स आपको कवर करने रेशियूज परसेंटेज पावर्स एक्सपोन एक्सपोनेंट्स लॉगैरिथम पवटेशन कॉम्बिनेशन सीरीज मैंसुरेशन जोमेट्री एलिमेंट्री स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करने चाहिए गेट एग्ज़ाम में वर्क गेट एग्जाम में क्वान्टिटी सेक्शन में एक आठ टॉपिक और इसमें एड ऑन कर देता हूँ जिसके क्वेश्चन गेट एग्जाम में आते हैं दैट इज़ वर्क एंड टाइम वर्क एंड टाइम भी आपके गेट एग्जाम में बढ़िया पूछा जाता है पाइपसन सिस्टम इसके क्वेश्चन गेट एग्जाम में बहुत आते हैं आपको इसे भी कवर करना है इसके अलावा टाइम स्पीड डिस्टेंस इसके भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में बहुत आते हैं ट्रेन्स वाले क्वेश्चन या फिर जो है रेस ट्रैक वाले क्वेश्चन ये सारे आपको सीखने हैं इसमें ठीक है यहाँ तक कम्फर्टेबल है और अगर थोड़ा सा डीप में सीखना चाहो कि भाई मेरे को एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट अच्छा कर लेना है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एस भी आपको पढ़ना चाहिए इसके क्वेश्चंस भी बहुत आम हैं पूछे जाते हैं आपके पेपर में मिक्सचर एंड एलिगेशन बिल्कुल पढ़ो भाई तो ये अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड uh, का सिलेबस है इसको आपको फोकस करना चाहिए इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस लिखा हुआ है रीजनिंग में लिखा हुआ है डिडक्शन एंड इंडक्शन एनालॉजी डिडक्शन इंडक्शन एनोलॉजी में दरअसल क्या होता है कि ना इसे हम लोग सिलोलिस्ट वो भी कहते हैं वेन डायग्राम के थ्रू जो है आपको आ, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और कुछ कंक्लूजन्स आपको बताना होता है कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो इस वाली चीज़ को आपको ध्यान देना है गेट एग्जाम में इसके बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग इसमें क्या क्या आता है वो यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन आएगा है ना ब्लड रिलेशन ये आपको आना चाहिए इसके क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में डायरेक्शंस इसके भी क्वेश्चंस गेट एग्जाम में आते हैं है ना कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस गेट एग्जाम में आपको आएंगे आ, इसके अलावा <coughs> अगर आप और देखना चाहें ब्लड रिलेशन है कोडिंग डिकोडिंग है एक आध क्वेश्चन अगर आ, थोड़ा सा जनरल सेंस पर आ इसको पजल बोला जाता है दरअसल तो उसमें अगर रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए तो वो आपको देखने चाहिए पजल्स बड़ी बड़ी, बड़ी फॉर्म बनाकर वो दे देते हैं आपको उसे सीखना है अब वर्बल एप्टीट्यूड में आपको ध्यान देना है किन चीजों पर वर्बल एप्टीट्यूड में आपको पूरा टेंस आना चाहिए आर्टिकल्स आना चाहिए वर्बल एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कहने का सेंस ये कि वहाँ पर जैसे नाउन एंड प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है वो आपको आना चाहिए तो ग्रामर का ना एक आपको सेंटेंस uh, को करेक्ट करने वाला मतलब स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन भी आपके गेट एग्जाम में आता है ये भी आपको आना चाहिए बढ़िया तरीके से इसके अलावा इंग्लिश में वर्ड्स एंड फ्रेसेस ये आपको वोकेबलरी एग्जाम में पूछी जाती है मतलब क्या करते हैं वो कि आपको जो है एक वर्ड दे देंगे और उसका आपसे एंटोनिम और सिनोनियम पूछा जाएगा बात आ रही है आपको समझ में इसके अलावा रीडिंग कम्प्रहेंशन रीडिंग कम्प्रहेंशन तो भाई गेट एग्जाम में हमेशा आने वाला कंटेंट है एक पैरा बनाकर दे देंगे और उस पैरा पर आपको कंक्लूड करके कंप्रिहेंड करके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उसमें मैंशन होता है उसका आपको आंसर देना होता है यूजर

और बाकी अगर आप सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स का ना यूट्यूब में ही कंटेंट बनाकर आपको प्रोवाइड किया हुआ है तो उसमें आपको बेसिक लेवल के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जैसे वर्क एंड टाइम मैंने हमारे ही आ, आई गेट के चैनल में बनाकर पूरा प्रोवाइड किया है वर्क एंड टाइम में अगर वर्क एंड टाइम आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो उसमें अवेलेबल करवाया है मैंने इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें मिल सकता है प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा इसके आप बेसिक्स बहुत आराम से कवर कर सकते हैं डी के मैंने बता दिया कि मैंने अवेलेबल करवाया हुआ है परसेंटेज के भी कुछ वीडियो हैं उसमें मैंने अवेलेबल करवाए हैं आप बच्चों के लिए है ना और इंग्लिश का भी कुछ कंटेंट मैंने डिस्कस किया हुआ है वो भी आपके लिए अवेलेबल है तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर सेल्फ स्टडी भी करें ना फिर भी ये जो चैनल है वो आपके लिए हेल्पफुल है आप थोड़ा सा ख्याल तो करो बस चीज़ों को थोड़ा सा मन तो बनाओ अपना पढ़ने का जो नए टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं ऑब्वियसली तो अगर मैंने हेडिंग डाली है कि जो मुझे चेंजेस बताने हैं तो मुझे नए टॉपिक तो बताने हैं ना आपको तो जो नए टॉपिक जो इन्होंने ऐड ऑन किए हैं हमारे गेट एग्जाम के सिलेबस में वो एक बार हम लोग इतमान से देख लेते हैं नए टॉपिक जो इन्होंने ऐड किए वो यहाँ भी मैंने लिखवाए थे पावर्स एंड कंपोनेंट्स लगे सीरीज सीरीज में ए पी एपी जी के क्वेश्चन भी ना हमारे गेट एग्जाम में आते हैं आपको बात रही पकड़ में और मैंसोरेशन इन जोमेट्री मैंने जोमेट्री के भी जो क्वेश्चन है ना जोमेट्री के भी जो वीडियोज़ हैं वो आई गेट के चैनल में अपलोड करवाए हैं तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत जोमेट्री में कष्ट होता हो तो आप हमारे वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं आपको उससे बिल्कुल हेल्प मिलेगी ऑल दो जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ तो बहुत ही डिटेल में हर एक छोटी छोटी चीज आपसे डिस्कस करता ही हूँ स्टिल लेकिन अगर आप चाहें तो आपके पास वीडियोज़ अवेलेबल उसकी हेल्प ले सकते हैं आप है ना स्टैटिकटिक्स नया एड हुआ है दरअसल इसमें गॉट और जो नया ऐड हुआ है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है स्पेशल एप्टीट्यूड ये 2020 में ही ऐड हुआ है गेट के बेसिकली स्पेशल एप्टीट्यूड में क्या क्या होता है एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ स्पेशल एप्टीट्यूड में अपने पास uh, uh, मिररर इमेज वाटर इमेज के क्वेश्चन रहेंगे डाइस के क्वेश्चन रहेंगे फोटो बनाकर दे देगा उसमें चार फोटो बना देगा अगर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोटो ऐसी है तो फोर्थ तो फोटो कैसी होगी मतलब ये ना बेसिकली आपके ना लॉजिकल अप्रोच पर बेस्ड होता है और स्पेशल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड इसमें चेक होता है नया नया एड हुआ है तो मेरा सल मेरी सलाह यही है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए इसको इस पे स्पेशल स्पेशल फोकस करना चाहिए इसके मैं पूरे के पूरे जो सेक्शंस से, है लाइव क्लासेस में कवर करवाता हूँ ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं इसमें ईडियम्स <laughs> जो है नया एड हुआ है है ना एडियम्स दरअसल क्या होता है कि कुछ मुहावरे वगैरह लिखे होते हैं जिसको आपको मीनिंग कम्प्रिहेंड करके देनी होती है it? तो ये नया एड हुआ है इंग्लिश में तो ये सारा का सारा सिलेबस है दरअसल क्या होता है कि गेट एग्जाम के बच्चे तैयारी करते हैं एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कौन से टॉपिक मेरे को पढ़ने और कौन से टॉपिक मेरे को नहीं पढ़ने सीना रहे है आपको सबने तो मैंने ना ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर लिस्ट बनाकर दे दिए ये सारे टॉपिक्स आपको लिस्ट बनाकर दे तो आपको ना सबसे पहले तो ये पता रहे कि गेट एग्जाम में आपको जब एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना है तो किन चीज़ों पर फोकस करना है और किन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत वास्ट है लेकिन जो मन में उठाकर वो थोड़ी पढ़ लेना है उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो गेट एग्जाम में आपसे पूछी जा रही है आगे बस कुछ में कुछ मैं चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि दरअसल किस तरीके से आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना चाहिए क्या करना चाहिए एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए तो सबसे पहली वाली चीज़ तो आपको एप्टीट्यूड को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितना आप बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट्स को देते हैं मैंने वाली चीज़ देखी है कि जो बच्चे होते हैं ना वो दरअसल ना एप्टीट्यूड को ना क्या करते हैं ग्रांटेड ले, ले लेते हैं ग्रांटेड लेने का सेंस ये है कि कुछ समय तक एप्टीट्यूड पढ़ेंगे फिर उसका लगेगा कि अरे मैं तो बना लूंगा करके छोड़ देंगे तो वो जो आप ग्रांटेड ले लेते हो ना और जितने आप टेक्निकल में एफर्ट देते हो उतना जब एप्टीट्यूड एफर्ट देना बंद कर देते हो ना तो फिर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे बनना बंद बन हो जाते हैं फिर वो ऐसा सब्जेक्ट से फिफ्टीन फिफ्टीन गेन कर सकते थे हमको बारह तेरह नंबर में खुश होना पड़ता है तो मेरी सलाह क्या है कि आप एप्टीट्यूड को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी आप टेक्निकल को देते हो सबसे पहली बात दूसरी बात कि एप्टीट्यूड को आप डेली प्रैक्टिस करो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना सिर्फ और सिर्फ दस क्वेश्चन बनाने दस क्वेश्चन भी अगर आप डेली बनाते हो एप्टीट्यूड में तो एक समय के बाद जब पलट कर देखोगे तो अच्छा खासा सम ऑफ क्वेश्चन आप तैयार कर चुके होंगे तो मेरी सलाह क्या है दूसरी वाली एप्टीट्यूड को डेली प्रैक्टिस करो अब सवाल यह है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें तो सर मेरे से पूछते हैं सर कौन सी बुक ले लूँ जैसे गेट एग्जाम का पूरा पेपर मेरे को उसमें छपा हुआ मिल जाए ऐसा कुछ नहीं होगा कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है आपके हाथ में मोबाइल है और बहुत सारे ऐप्स उसमें अवेलेबल है अपने मन से कोई भी ऐप निकालो जिसमें आप जैसे आप प्ले स्टोर में जाओगे और सर्च करोगे एप्टीट्यूड फॉर गेट या फिर एप्टीट्यूड ही लिख दोगे तो बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे जो ऐप आप आप आपको अच्छा लगे सारे ऐप फ्री है ना एक ऐप डाउनलोड करो उसको चलाकर देखो एक दो दिन मजा आए तो ठीक कंटिन्यू करो नहीं है तो उसको डिलीट करो फिर दूसरा ऐप ले लो फ्री है ना जितना मर्जी ले सकते हो तो क्या करो आप ना उस ऐप को डाउनलोड करो और उस ऐप से सॉल्व करो हमारे आई गेड के ही ऐप में अगर आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं तो आप वहां से कर सकते हो चीज़ों को कवर है ना इसके अलावा अगर आपने ऐप में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट डेवलप कर ली तो क्या होगा आप अपना जो ब्रेक टाइम है ना वो यूटिलाइज कर लोगे तो तीसरे जो मेरी सलाह है आप बच्चों के लिए यूटिलाइज योर ब्रेक टाइम मतलब कहने का सेंस ये कि जब आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और बहुत देर आपने पढ़ाई कर ली फॉर एग्जाम्पल एक दो घंटा पढ़ाई करें तो इंसान को ना रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है तो रिफ्रेशमेंट के लिए बैठ कर अपने इंस्टा की रील नहीं देखनी है कि अच्छा ये है अच्छा ही इंस्टा की रील में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है क्या करना है उस ऐप को ओपन करना है और उस ऐप को ओपन करके एक दो क्वेश्चन उस ब्रेक में लगाइए और ऐसे दिन भर में अगर आप चार पाँच ब्रेक लेते हैं और एक ब्रेक में अगर मान लिया दो क्वेश्चन सॉल्व करें तो दिन भर के दस क्वेश्चन आपके हो गए ना तो एक्स्ट्रा से टाइम देने की जरूरत कहाँ पड़ी ये होता है स्मार्ट वर्क आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है फिर इसके अलावा क्या होता है कि जैसे मैंने नोटिस किया ये चौथी टिप है जैसे क्या होता है कि बच्चे लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थोड़ी देर ध्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन क्या होगा जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने लगा थोड़ा सा भी समय देंगे एक मिनट देंगे हार्डली आधा मिनट देंगे क्वेश्चन सॉल्व तो सीधा उसका सॉल्यूशन देखने चले जाएंगे क्यों भाई आपने सॉल्यूशन क्यों देखा जैसे ही आप सॉल्यूशन देखते हो ना उसी घड़ी से क्वेश्चन की जो वैल्यू है ना वो खत्म हो जाती है क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व कर रहे हैं अपना टाइम दो उस पर अपना एफर्ट दो क्या होगा पांच मिनट लगेगा या दस मिनट लगेगा पंद्रह मिनट लगेगा लेकिन कोशिश करो उसको पूरा बनाने की पंद्रह मिनट देने के बाद भी अगर नहीं बना ना तो भी आपको सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए मेरी सलाह क्या है उस घड़ी आपको क्या करना चाहिए उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए छोड़ दो उस क्वेश्चन को बाकी के क्वेश्चन बनाओ फिर अगले दिन आना और उस क्वेश्चन को दोबारा बनाना और नए तरीके से अब देखना आप सोचोगे और अब की बरफ से क्वेश्चन बन जाएगा ये है सही तरीका सॉल्यूशन देख देख कर क्वेश्चन को देखना रटना थोड़ी है आपको मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को बैठ कर जब क्वेश्चन और सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन खेलते रहते हो तो मेरी आपको अगली सलाह क्या है कि सॉल्यूशन आपको कभी नहीं देखना है दस मिनट दो पंद्रह मिनट दो बीस मिनट दो नहीं बने तो अगले दिन फिर उसको बनाओ लेकिन सॉल्यूशन मत देखो आगे जो पकड़ में और लास्ट मेरे आपसे जो है आपको बोनस एडवाइस है वो एडवाइस दरअसल ये है बच्चे लोग कि अगर आप एप्टीट्यूड को सीखना चाहते हैं द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स द ओनली वे टू लर्न एप्टीट्यूड इज लेट्स डू मैथमेटिक्स और कोई भी तरीका नहीं है अगर आप सीखना चाहते हैं इन चीज़ों को तो आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा आप सोचोगे कि बस बैठे बैठे मेरे को जो है ऊपर से कोई आकाशवाणी होगी कोई चीजें आ जाएंगी नहीं होने वाला ऐसा आपको पेन कॉपी लेकर उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बात आ रही है समझ में तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान दोगे ना तो आप गेट एग्जाम के एफ सेक्शन में बहुत अच्छा कर सकते हो और अगर आपने एफटी फिफ्टीन में फिफ्टीन गेन कर लिए ना मेरा प्रॉमिस है आपसे आप बच्चों को गेट आई जाने से कोई नहीं रोकने वाला है टेक्निकल सेक्शन में फिर ज़्यादा एफर्ट देना रह नहीं चाहता है अट्ठाईस नंबर अगर एप और मैथ्स के गेन कर लिए चालीस नंबर पचास नंबर टेक्निकल के ले आए बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर जनरेट हो जाएगा मज़ा आ जाएगा आपको गेट एग्जाम देके फिर आपको लगने लगेगा कि एक अच्छा खासा बर्डन मेरे सर से कम हो गया बच्चा को सेक्शन में कर सकता हूँ आपको बात आ रही है तो फॉलो दैट टिप्स एंड स्टे ट्यून्ड हम लोग दोबारा मिलेंगे नए वाले क्वेश्चंस के साथ में नए वाले वीडियो कंटेंट के साथ में मेरे साथ बने रहिएगा